अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल्ला सैफ फ्रॉम स्मार्ट स्टेट एंड बिल्डर्स। आज आपके लिए लेके आए हैं बैरियटोन फेज 3 में 1 कनाल का डिजाइनर हाउस। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो सिविक सेंटर बैरियटोन फेज 4 से जस्ट 2 मिनट की ड्राइव पे ये घर है, और बुलेवार्ड से जैसे हम अंदर एंटर होते हैं सेकंड हाउस है, और ये स्ट्रीट जो है वो भी डेड एंड स्ट्रीट है। अभी मैं आपको अगर इसका जो है वो फ्रंट एलिवेशन थोड़ा सा दिखाऊं, तो इसमें जो है वो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसका गैराज है, कारपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी ईजीली पार्क हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े खूबसूरत डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्लांट्स इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। इस घर की जो खूबियाँ हैं वो इसमें 3 फ्लोर्स हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे भी हमें इसमें लॉन मिलेगा, प्लस इसमें हमें बेसमेंट में भी एक लॉन मिलेगा। ओपन बेसमेंट है, इस वजह से जो बेसमेंट को भी हम एक पोर्शन ही कंसीडर कर सकते हैं। ये अभी हम आ गए हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ, जिसको आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग इसमें जो है वो 10 फीट का वुडन डोर है, जिसमें ऊपर हम देखें तो ग्लास जो है वो इसको शेड बनाने के लिए ग्लास जो है वो यूज़ किया गया। इसमें हम एंटर होने से पहले राइट लेफ्ट देखें तो हमारे पास बड़े खूबसूरत वॉज हैं। ये इसके फुटस्टेप्स जिनके ऊपर टर्किश ग्रे जो है वो ग्रे नाइट यूज़ किया गया। आइए हम आपको अभी इस घर को अंदर से दिखाते हैं, और आप बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। जी तो व्यूअर्स, ये हम इस घर में एंटर होते हैं, जैसे ही राइट साइड में हम देखते हैं तो ये हमारे पास इस घर का ड्राइंग का एरिया आ जाता है। आउटस्टैंडिंग काफ़ी स्पेस है इसमें। हमारे पास ये फाइट सिस्टम है, आप इसको जो है वो फाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम है, प्लस ड्राइंग एंड डाइनिंग जो है वो इसकी स्पेस है। यहाँ से निकलो तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं डबल लॉबी है, जिसके अंदर एक नया खूबसूरत आउटस्टैंडिंग जो है वो एक शैंडलर है। और ये आप देख सकते हैं एक स्कैंडिनेवियन डिजाइन हाउस, जिसमें हमारे पास जो है वो ये इसका मेन लिविंग एरिया आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत टाइल्स जो है उसका काम हुआ है, जिसमें आपको हिली जो है वो थोड़ा सा टच आ जाता है। ये जो पेंट है इसको हम लोग नोवा पेंट कहते हैं, एक स्पेशल पेंट होता है जो एक स्पेशल इसमें जो है वो ग्लिटर वगैरह डाल के इसको किया जाता है। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लाइंसेस जो है वो सब इंस्टॉल है। यहाँ पे हम आए तो हमारे पास यहाँ पे फिर जो है वो रूफ तक ओपन जो है वो लॉबी आती है। आप अगर रूफ पे देखें तो आपको एक बड़ा प्यारा जो है वो स्टार्स का जो है वो एक टच मिलेगा, जैसे हम रात को हों और ओपन वो स्टार्स देखने को मिलते हैं। ये आप देखें, इसमें एक शैंडलर है, प्लस स्टार्स में जो है डायमंड लाइट्स हमारे पास यूज है। और ये हमारे पास जो है वो ये लॉबी का एरिया है। ये जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी इवनिंग को जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, रेन हो रहा उसको एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे एक ओपन किचन है, ये आप ओपन किचन देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक बड़ा प्यारा वुड रैक पड़ा हुआ है जो आप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसमें डबल डोर जो है वो फ्रिज भी इंस्टॉल है, प्लस इसमें माइक्रोवेव ओवन बेकिंग ओवन भी इंस्टॉल है। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने जो है कोरियन का यूज़ किया गया वाइट कलर में, और इसमें जो है साथ ये शैंडलर हमारे पास रिंग्स में यूज़ हुआ। जैसे ही हम इसमें अंदर एंटर होते हैं, ये देखें जी, ये डबल डोर का हमारे पास रेफ्रिजरेटर हायर का, प्लस इसमें जो है वो एक बेकिंग ओवन है, एक इसमें माइक्रोवेव ओवन है, और ये कबर्ड्स हैं जिनमें आप अपनी स्टोरेज को इजीली आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें वाइट और ब्लैक कलर का कलर कम्बिनेशन के साथ किचन को नहायत खूबसूरत बनाया गया, जिसमें हमारे पास जो है वो कुकिंग रेंज भी है, और प्लस इसमें हमारे पास फूड भी यूज़ किया गया। ये स्टोव है, मॉडर्न बैटरी का स्टोव यूज़ किया गया, प्लस इसमें हमारे पास पीछे वाली साइड पर एक डर्टी किचन है, डर्टी किचन भी आप देख सकते हैं, जिसमें भी हुड यूज़ हुए, स्टोव यूज़ हुए, प्लस इसमें वॉशिंग बर्तन वॉश करने का एरिया जो है वो बैक साइड पे। किचन में जो है वो काफ़ी खूबसूरत जो है वो वुड का काम हुआ। ये देख सकते हैं, अभी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का
मास्टर बेडरूम है, जिसमें सामने अब मेन वॉल के ऊपर जो है वो कॉटन फैब्रिक जो है वो शीट यूज़ की गई है। पूरे घर में एक जैसी वाइट फ्लोरिंग जो है वो यूज़ की गई है। पीछे काफ़ी बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। ये हमारे पास इसका आ जाता है जी वॉशरूम। वॉशरूम में जो है वो आप देख सकते हैं वाइट कलर में सारा वॉशरूम जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें हमारे पास जकूजी आ जाती है। जकूजी के साथ हमारे पास इसमें कंसील्ड शॉर है, जिसको हम वाटरफॉल शॉर भी कहते हैं। केल का जो है वो इसमें सारा इंटीरियर एक्सटीरियर यूज़ किया गया है। ये आपके सामने इसमें वॉल हैंगिंग जो है वो कमोड है, इसमें वैनिटी है, वैनिटी के साथ ही आप देख सकते हैं जी। अभी हम इसकी बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट चूँकि ओपन है इसलिए वेंटिलेशन जो है उसमें बहुत अच्छी है। ये बेसमेंट में जाने के लिए स्टेयर्स हैं, वुडन टेक्सचर में यूज़ की गई हैं, बल्कि वुडन की हैं, और ये सेफ्टी ग्रिल जो है ये मेटल में यूज़ की गई है। ये व्यूअर्स अगर हम नीचे आके मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दिखाऊं, तो ये हमारे पास नीचे जो है वो एक हॉल है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में इसकी रूफ तैयार की गई है, जिसमें पीछे डेकोरेशन के लिए जो रैक्स बने हुए हैं, प्लस इसमें सीलिंग लाइट्स जो हैं वो बहुत कम यूज़ की गई हैं, शैंडलर ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। ये मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आते ही पहले हमारे पास राइट साइड पे एक ये ओपन किचन आ जाता है। ये हमारे पास इसकी मेन मीडिया वॉल है, जिसमें LCD ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, साथ इसके शैंडलर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये नीचे जो बेसमेंट है इसमें ये मास्टर बेडरूम है, जिसमें नीचे जो है वो ग्रे कलर की टाइल यूज़ की गई है। ये हमारे पास इसका सीलिंग का डिज़ाइन है। इसमें भी स्टोरेज की इनफ स्पेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें कबर्ड्स बनी हुई हैं, और ये हमारे पास इसका वॉशरूम है, जो कि ब्राउन कलर की स्टोन टाइल्स के साथ इसको बनाया गया है। ये हम देख सकते हैं जी। इसमें ये शॉर लगा हुआ है पोर्टा का ओरिजिनल वारंटी वाला, और ये आप इसको देख सकते हैं एक कलर, ये टाइल लेफ्ट साइड पे टाइल है, सामने मैट कलर की जो है वो टाइल यूज़ की गई है, और इसमें मैट ही इसका बनाया गया सारा फ्लोर। चलिए व्यूअर्स, अभी हम आपको इसका दिखाते हैं जो कि घर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, वो है इसका स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल स्विमिंग एरिया की तरफ जाने के लिए हम बेसमेंट से एक डोर है जो ग्लास और वुड का बना हुआ है, जैसे ही हम उससे बाहर निकलते हैं तो ये हमारे पास इसका स्विमिंग पूल एरिया आ जाता है। जी ये हमारे पास इसमें बेसमेंट एरिया का लॉन है, इसमें दो लॉन है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है, एक बेसमेंट में है, और यहाँ पे आप अपना बारबेक्यू कर सकते हो, क्योंकि ओपन स्पेस है इसलिए वेंटिलेशन या हवा का जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। ये देखें जी, यहाँ से हम इन स्टेट से आप ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं। हम जो है वो इसके जाएंगे फर्स्ट पोर्शन की तरफ, उसमें तीन बेडरूम्स हैं वो आपको दिखाते हैं। पर आप रूफ पे देखें तो आपको सीलिंग के अंदर डायमंड स्टाइल की सीलिंग लाइट मिलती है। ये हमारे पास प्लांटेशन के लिए एरिया। पहले हमारे पास आ जाता है जी ये एक बेडरूम, इसको बेबी बेडरूम भी बना सकते हैं। यहाँ पे पर्पल कलर की जो है वो वेलवेट की फोमिंग शीट यूज की गई है। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, जो ग्रे कलर के टेक्सचर में जो है वो इसको डिजाइन किया गया जी, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास वॉल हैंगिंग जो कमोड है, ये इसका एरिया, और ये इसमें शॉवर।
अभी जो है हम आपको इस घर के बाकी के दो मास्टर बेडरूम्स जो हैं वो विजिट करवाते हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये घर कैसा लग रहा है। ये अब ऊपर हम एंड पे जाएंगे, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा ये हमारे पास इस घर का जो है वो ये एरिया है फर्स्ट पोर्शन का। यहाँ से हम नीचे से आए हैं अभी ऊपर ग्राउंड पोर्शन। ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं सीलिंग का डिज़ाइन। मीडिया वॉल जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड स्ट्रिप्स लगी हैं, प्लस इसमें स्टोन लगा है, प्लस इसमें फैब्रिक है, एलसीडी ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये हमारे पास ऊपर इसमें ओपन किचन आ जाता है, जिसमें ग्रे कलर के जो है वो आप देख सकते हैं वुडन यूज़ की गई है इसकी नीचे वाली कबर्ड्स में, प्लस वाइट कलर का कोरियान है ऊपर जो हमारे पास आ जाता है, वुडन टेक्सचर में वुड है, प्लस इसमें हमारे पास जो है वो एक हुड भी यूज़ है और स्टोव इंस्टॉल है। तो व्यूअर्स, अपना घर होना हर इंसान की एक बेसिक ख्वाहिशात में से होता है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपना घर दें, और आपको हमारा घर कैसा लग रहा है वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये सर ग्राउंड पोर्शन फर्स्ट पोर्शन जो है इसका, सेकेंड जो बेडरूम है ये मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये हमारे पास सीलिंग का डिज़ाइन है, प्लस हमारे पास ये इसमें येलो कलर के वेलवेट में जो है फोमिंग शीट यूज़ की गई है। इसके अभी मैं आपको वॉशरूम में दिखा दूँ, वॉशरूम में छत तक जो है वो टाइल्स यूज़ हुई हैं जी। ये हमारे पास इसमें वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। ये कबर्ड है जिसमें आप स्टोरी जो है वो ईजिली कर सकते हैं, ग्रे कलर के टेक्सचर में ये कबर्ड है। प्लस हमारे पास ये इसमें जकूजी आ जाती है। ये इसमें शॉवर एरिया जो है वो सेपरेट है, कंसील्ड शॉवर यूज़ किया गया है वाटरफॉल वाला। तो व्यूअर्स, ये इसका सेकंड बेडरूम था। अभी मैं आपको इसके थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ जी। ये हमारे पास इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है, ये आप देखें। प्लस मैं आपको टेरेस से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं डोर का बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन यूज़ किया गया, जो एशवुड के ये डोर्स बने हैं, और इनकी हाइट जो है वो भी 8 फुट रखी गई है। ये मेरे पास इसमें तीसरा बेडरूम आ जाता है, जिसमें टाइल फ्लोरिंग आप देख सकते हैं वाइट कलर की है, सामने जो है वो ब्राउन कलर के फैब्रिक की फोमिंग शीट यूज़ की गई है। ये हमारे पास इसमें सीलिंग का डिज़ाइन, प्लस ब्लैक कलर का फ़ैन है, और पूरी वॉल पे विंडो है, जिसकी वजह से घर की वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी होती है और खूबसूरती भी डबल हो गई। ये इस रूम का हमारे पास मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आपको दिखाता हूँ, ये वाइट कलर की टाइल्स के साथ जो है वो इसको डेकोरेट किया गया जी। ये हमारे पास वाइट कलर की इसमें फ्लोरिंग है, ये वाइट कलर का वॉश बेसिन एरिया जो 2 पर्सन यूज़ कर सकते हैं। ये वॉल हैंगिंग कमोड है, शॉवर एरिया जो है वो भी कंसील्ड शॉवर इसमें यूज़ किया गया है, और इसमें भी आपके लिए एक जकूजी है जी। व्यूअर्स, ये हमारे पास टेरेस का एरिया आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर ये लाइट्स सीलिंग लाइट्स लगी हुई हैं। ये हमारे पास वाइट कलर की मैट टाइल जो है वो इसमें यूज़ की गई है, जो मैंने आपको बाहर से बताया था कि इसमें सेफ्टी ग्रिल जो है वो ग्लास की है। प्लस ये इसमें फ्रंट वे स्टोन और मेटल का जो है वो स्ट्रिप्स में काम हुआ होगा। ये इसका ओवरव्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा अगर आपने बनवाना हो या अपने घर को रेनोवेट करवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इस खूबसूरत घर की डिमांड ओनली एंड ओनली 8,50,00,000 रुपये। आप ऐसे खूबसूरत घर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये घर आपको कैसा लगे वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच स्मार्ट स्टेट एंड बिल्डर, जिंदाबाद।